Hello everyone, I welcome you all to the Saraswati classes. This is my second video and first video of the book name is What Power Made Easy. Before going to the book, I just want to discuss something that how to develop your vocabulary on a faster rate. जब हम बच्चे की बात करें तो बच्चा 4 साल से 10 साल के बीच में 1000 words per annum सीखता है. उसकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है नए वर्ड्स को लर्न करने की, नई नई चीजों को जानने की. तो जब वो 10 साल का होता है तब तक उसके पास में लगभग 20,000 वोकैबुलरी होती है. अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट होने के बाद में जब आप स्कूल कॉलेजेस नहीं जाते हो, जब आप किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, तब आपकी जो नए लर्न वो सीखने की जो रेट होती है या न्यू वर्ड्स को लर्न करने की जो रेट होती है वो होती है 20 to 25 वर्ड्स पर एनम. तो जो शार्प डिक्रीमेंट होता है उसका रीजन होता है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है, जो अर्ज होती है नए वर्ड सीखने की, वो ड्रॉप हो जाती है. आपको अगर आपकी वोकेबुलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी है और फास्ट रेट पे इंक्रीज करनी है तो कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और एक अर्ज होनी चाहिए नए वर्ड को सीखने की. नए वर्ड सीखने हैं, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, रूट वर्ड से कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनते हैं, कैसे एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगने से पूरे जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वही सेम रूट वर्ड अगर पॉजिटिव प्रीफिक्स के साथ आ रहा है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. तो जो भी वोकैबुलरी बनी है वो मोस्टली रूट वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बनी है. कुछ है जो हमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, कुछ जो अलग वर्ड से जो देखने को मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ तो रूट वर्ड से ही मिलके बने. व्हाट पावर मेड इजी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स. कितने टाइप्स की पर्सनालिटी होती है, उनमें क्या क्या रूट वर्ड्स होते हैं, रूट वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है और उस रूट वर्ड से कितने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट वोकैब बन सकती है, वो हम इसमें देखेंगे. तो मैंने मेरे पीछे बोर्ड पे जो व्हाइट बोर्ड है उस पर 10 वर्ड्स लिख रखे, उनके साथ में मैंने उनका रूट वर्ड भी बताया है प्लस उनका मीनिंग भी बताया है, रूट वर्ड का मीनिंग भी बताया है. तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा. थैंक यू. नाउ हाउ टू टॉक अबाउट योर पर्सनालिटी टाइप्स, जो फर्स्ट चैप्टर है व्हाट पावर मेड इजी बुक का. जिनके पास ये बुक नहीं है वो वीडियोस देख सकते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करी फर्स्ट वीडियो में कि वीडियो को हम फास्टर रेट पे अगर सुनते भी है, अगर देखते नहीं उसे सुनते ईयरफोन्स लगा के, तो भी हमें जल्दी ही मतलब टाइम कम हमारा कंज्यूम होगा और फास्टर रेट पे अगर हम ये वीडियो देखेंगे फास्ट स्पीड मोड पे तो जल्दी से हम सुन भी लेंगे, लिसन भी कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि बुक में क्या क्या कंटेंट है. तो बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं है और बुक को बैठ के पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ोगे तो ज्यादा टाइम वेस्ट होगा. ठीक है. नाउ एंड इगोइस्ट जो फर्स्ट वर्ड है उसमें जो रूट वर्ड है वो है ईगो, और ईगो का मतलब होता है आई, मतलब कि मैं. इगोइस्ट मतलब क्या होगा, ईगो मीन्स आई, इगोइस्ट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, जो हमेशा खुद के ही बारे में सोचता रहता है. मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ वाला जो एटीट्यूड होता है, मैं मेरा क्या फायदा है इसमें, या सिर्फ खुद के ही इससे क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा, या मेरा क्या फायदा है, या मैं इसमें इन्वॉल्व हूं कि नहीं हूं, वो पर्सन होता है इगोइस्ट पर्सन. नाउ सेकंड इगोटिस्ट. सिर्फ इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे एक टी और जुड़ चुका है, उससे पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. ईगो मीन्स आई, रूट वर्ड यही है ईगो, इसका मीनिंग है आई. एन इगोटिस्ट मतलब सेल्फ एब्जॉर्ब. सेल्फ एब्जॉर्ब को हम हिंदी में भी बोलते हैं अहंकारी, जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्राउड पर्सन होता है, एरोगेंट पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं इगोटिस्ट पर्सन. तो सेकंड वर्ड में भी ईगो, ईगो प्लस आई रूट वर्ड है, और यहाँ पे इगोइस्ट मीन्स सेल्फ सेंटर्ड, इगोटिस्ट मीन्स जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्राउड पर्सन होता है. नाउ थर्ड वन इज एन एल्ट्रुइस्ट. एल्ट्रुइस्ट में जो रूट वर्ड है वो है ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब होता है अदर, मतलब कि दूसरे. तो अल्ट्रुइस्ट पर्सन कौन होता है, जो दूसरे के वेलफेयर में काम करता है, दूसरों की जो हेल्प करता है, हमेशा दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचता है या उसमें इन्वॉल्व होता है, उन कामों में इन्वॉल्व होता है, उनको अल्ट्रुइस्ट पर्सन बोलते हैं. हिंदी में इसको हम परोपकारी भी बोलते हैं, जिससे आपको जल्दी से समझ में आएगा. एंड इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट में जो रूट वर्ड है वो है वर्टो, उसका मीनिंग होता है टू टर्न, टर्न योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे, इन. तो इनका मतलब क्या होता है, अंदर. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो सिर्फ खुद में ही रहता है, अपने आइडियाज लोगों से शेयर नहीं करता है, जो सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पीपल में इन्वॉल्व नहीं होता है, सोशली एक्टिव नहीं होता है,
जो सिर्फ खुद तक ही अपने आइडियाज को रखता है, खुद की जो कंपनी होती है उसी को एंजॉय करता है, ज्यादा उसके फ्रेंड्स नहीं होते, उसको हम इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और वही हम अगर हम एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो सफिक्स है वो है वाटो, वो रूट वर्ड है, वाटो मीन्स टू टर्न, और जो प्रीफिक्स है वो है एक्स, ये भी एक रूट वर्ड है, एक्स मीन्स आउट, जिसकी पर्सनैलिटी आउटर होती है, जो लोगों से अपने आइडियाज शेयर करता है, जो सोशली एक्टिव होता है, आउटगोइंग पर्सन होता है, गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होता है, कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व होता है, अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जो अपने आइडियाज हमेशा लोगों से शेयर करता है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। और एम्बीवर्ट जो होगा, एन एम्बीवर्ट पर्सन, वर्ट मीन्स वर्टो होता है, टू टर्न, जो कि सेम है यहाँ पे भी, ये रूट वर्ड है, सफिक्स की जगह यूज आया है, प्रीफिक्स में एमबी आया है, एमबी भी एक रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है बोथ, जो दोनों ही पर्सनालिटी को शो करता है, मतलब जो नाइदर एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट होता है ना ही एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द मूड एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो अपनी पर्सनालिटी को शो करता है, कि उसको कब क्या चीज शो करने का मन कर रहा है, कभी उसका मन करता है इंट्रोवर्ट रहने का, कभी उसका मन करता है एक्सट्रोवर्ट रहने का, तो वो एम्बीवर्ट पर्सन कहलाते हैं, जो कि हमेशा ना तो खुद में ही रहते हैं, ना बहुत ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में इन्वॉल्व रहते हैं, कि खुद के साथ टाइम नहीं स्पेंड नहीं करते, तो जो दोनों ही पर्सनैलिटी को शो करते हैं उनको हम एम्बीवर्ट बोलते हैं। मिस एंथ्रोप, सेवन जो वर्ड है वो है मिस एंथ्रोप, मिस जो प्रीफिक्स है ये भी एक रूट वर्ड है और इसका नेगेटिव मीनिंग होता है, और एंथ्रोप जो कि रूट वर्ड है उसका मतलब होता है मैनकाइंड, तो दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो मैनकाइंड के नेगेटिव मतलब कि अगेंस्ट में, तो ऐसे पर्संस हु हेट्स मैनकाइंड या ह्यूमन काइंड, जो मानवता को हेट करते हैं, लोगों को हेट करते हैं, उसको हम मिस एंथ्रोप बोलते हैं। और वही अगर हम मिसोजिनिस्ट की हम बात करें, मिसोजिनिस्ट या यूज किया गया है, तो अ मिसोजिनिस्ट पर्सन, मिस यानी कि नेगेटिव, और जिनिस्ट में जो है रूट वर्ड वो है गायनी, गायनी का मतलब होता है फीमेल, तो मिसोजिनिस्ट पर्सन वो होते हैं हु हेट्स वीमेन, जो कि औरतों से नफरत करते हैं, उन्हें हम मिसोजिनिस्ट पर्सन बोलते हैं, या उन लोगों को हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। और मिसोगेमिस्ट में जो है, गेमिस्ट जो है रूट वर्ड इसका गेमोस होता है, और गेमोस का मीनिंग होता है मेरीज, तो यहाँ पे भी मीन सारा नेगेटिव, मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है, मीन्स ऐसे पर्सन्स हु हेट्स मेरीज, जो कि शादी को, शादी से नफरत करते हैं या शादी करना पसंद नहीं करते, उन्हें हम मिसोगेमिस्ट बोलते हैं। और लास्ट वन इज एन एसेटिक, एसेटिक में जो रूट वर्ड है आस्किटीज है, इसका मतलब होता है मोंक, जो कि साधु संत वाली जो लाइफ जो जीते हैं उनको हम एसेटिक पर्सन बोलते हैं, मतलब कि जो सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ही ना तो किसी पार्टी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, ना मतलब जो मोह माया टाइप की जो चीजें होती है उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो साधु संत की लाइफ जीते हैं, मोंक की लाइफ जीते हैं, सीवियर सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही सिंपल लाइफ लिविंग को फॉलो करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम एन एसेटिक पर्सन बोलेंगे। यही 10 वर्ड थे आज की क्लास में, आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट देन डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो यू नो योर फ्रेंड्स योर फैमिलीज विल बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो, आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू, एंड थैंक यू।